Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे यानी कि उमर अंसारी की अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अब उमर अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। दरअसल मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जाँच कर रहे ईडी ने कई कंपनियों में उमर अंसारी की संलिप्तता के प्रमाण मिलने के बाद पूछताछ करने का निर्णय लिया है। सूत्रों की माने तो मुख्तार के करीबी यानी जितेंद्र शापारा की कंपनी मऊ ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए ये लेन देन होने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं और ईडी जितेंद्र पापड़ा को भी लगातार तलाश कर रही है। दरअसल बाहुबली मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों के खिलाफ जांच में कई ऐसी कंपनियों का पता चला है जिनमें अपराध से कमाई गई रकम को जमा कराया गया था। इसके जरिए कई संपत्तियों को भी खरीदा गया था। जब ईडी ने इसकी गहनता से पड़ताल शुरू की तो पाया कि ये कंपनियां सीधे तौर पर मुख्तार के बेटे जो कि विधायक हैं अब्बास और उनके छोटे बेटे उमर संचालित कर रहे थे। मऊ ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जितेंद्र शापरा और दानिश खान थे जो मुख्तार और उनके परिजनों को लगातार आर्थिक मदद पहुंचा रहे थे। इसी वजह से ईडी ने जितेंद्र शापरा के खिलाफ अदालत से गैर जमानती वारंट लेकर तलाश शुरू की है। हालांकि वो फरार हो गए हैं। अब ईडी जो है मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को नोटिस देकर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। वहीं बात करें तो मुख्तार अंसारी, उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी, उनके बड़े बेटे विधायक जो हैं अब्बास अंसारी, उनकी बहू यानी कि पत्नी जो अब्बास की है निकाहत अंसारी फिलहाल जेल में बंद हैं और उनकी पत्नी अफनसान सारे फरार चल रही है। तो वहीं अब छोटे बेटे उमर पर भी पुलिस और ईडी का शिकंजा कसने के लिए नोटिस जो है तैयार किया जा रहा है। बाकी इस तरीके की कार्रवाई को लेकर आपकी क्या राय है बताइएगा। धन्यवाद।